हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दिस इज अ पार्ट सेकंड ऑफ योर चैप्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, राइट? सो वी हैव टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड मल्टीप्लिकेशन पार्ट एंड फ्रॉम नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिवीजन। सो व्हाट इज डिवीजन, मैं आपको सिखाता हूँ डिवीजन क्या होता है, राइट? ठीक है, सो आई हैव रिटन डिवीजन ओवर हियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन क्यों करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, एक बार रिवाइज कराता हूँ। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, 3 × 6 means what? 3 को 6 times add करना, right? 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, right? 6 times 3 को add करना, इसका मतलब है multiplication, right? इसी तरह से divide क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। So 3 × 6 = 18, right? 3 × 6 = 18. Now if we divide this 18 by 3, how much times it will get? कितने times होगा? 3 × 6 = 18. So 3 × 6 = 18 and 18 / 3 = 6. Or you can say 18 / 6 = 3. तो बस यहाँ पे interchange हो रहे हैं। अब क्या logic है इसके पीछे, कैसे होता है वो मैं आपको detail part में बताऊंगा, right? So this is 3 / 18 / 3 = 6 and 18 / 6 = 3. तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा आंसर, एंड इफ यू डिवाइड दिस बाय दिस यू विल गेट दिस, राइट? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने ये देखा होगा इस टाइप का, 18 को डिवाइड करते हैं 3 से, सो 3 × 6 = 18। इस टाइप से आपने डिवीजन पढ़े होंगे अपने लोअर क्लासेस में, राइट? सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 6 = 18, क्लियर है? सिमिलरली इफ यू डिवाइड दिस 18 / 6, इस बार हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? पहले हमने 3 से डिवाइड किया था, सो यू विल गेट द आंसर 6 × 3 = 18, क्लियर? So 6 × 3 = 18. 6 × 3 = 18. Clear? And यहां पे 18 / 6 = 3. ये भी कह सकते हैं। So आपको समझ आया होगा, यहां से कुछ कुछ चीजें क्लियर होंगी, बाकी और डिटेल में हम आगे समझेंगे, क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं कि डिविजन कब कब करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में। फॉर एग्जाम्पल, इस बुक में, इस पेज पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डोलमा टुक अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बाय अ मोपेड फॉर रुपीज दिस मच, राइट? शी हैज टू पे इट बैक इन इक्वल अमाउंट्स एवरी मंथ फॉर 6 months. मीन्स वॉट, उसने एक मोपेड खरीदी अपने फ्रेंड से और उस एक साथ इतना पैसा नहीं दिया, उसने इक्वल अमाउंट्स, मतलब इक्वल अमाउंट्स 6 months के लिए अलग अलग 6 parts में। मतलब क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू डिवाइड दिस टोटल अमाउंट इन इक्वल 6 parts. तो आप बताइए, अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहां से समझ आ रहा है वी नीड डिवीजन, राइट? सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 6, तो आपको 6 equal parts मिल जाएंगे, क्लियर? मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे ये पॉसिबल है। लाइक, इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 1000 rupees, you have 1000 rupees, right? Your mom gave you 1000 rupees and you are like 5 brothers, matlab among 5, or a teacher gave you 1000 rupees and distributed among 5 students. To 5 students mein agar divide hoga ye to kitna har ek student ko kitna milega, ise 5 se divide karenge to every student will get 200 200, right? 4 and 5, to in sab ka sum kitna hoga, 1, 2, 3, 4, 5, राइट? 1000 rupees. सो वी हैव डिवाइडेड दिस इन 5 parts, 5 equal parts. ये आपको समझ आया, और यू कैन से डिवाइड दिस बाय 5. ऐसे ना लिख के, मैं ऐसे लिखता हूं, डिवाइड दिस बाय 5. तो हाउ मच यू विल गेट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5 × 2 = 10, राइट? और क्या आएगा, अब 0 0 है तो 5 0 = 0,
तो अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 200, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लाइक 200 इंटू 5 इज 1000, समझ आया? इफ यू डिवाइड दिस 1000 बाय 5 वी विल गेट 200, सो 200 रुपीज पांचों स्टूडेंट्स में डिवाइड हो गया। सो ये नीड है डिवीजन की। डिवीजन की नीड कब आती है? जब हमें किसी एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट लोगों में या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आएगा, जहाँ पे शेयरिंग आएगा या फिर जहाँ पे डिवीजन आएगा, डिवाइड आएगा, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डिवीजन, राइट? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में क्या है, डॉलमन टुक अ लोन, तो टोटल लोन अमाउंट हाउ मच रुपीज 9588 एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन 6, राइट? 6 मंथ्स में आपको डिवाइड करना है एवरी मंथ। सो इसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं, राइट? इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट क्या होता है? जो हर एक मंथ में आपको रीपे करना होता है। सो क्या यहां पे हाउ मच विल शी पे, शी हैव टू पे एवरी मंथ, तो कितना हर एक मंथ कितना पे करना होगा, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 6, क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको डिवीजन के दो मेथड्स बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, दिस इज द इजियर वन, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे, राइट? तो इसको पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 9 6 से बड़ा है, 9 6 से बड़ा है, तो 6 कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम और 2 टाइम, तो 6 1 6, 6 2 12 हो जाएगा, बट 9 12 से छोटा हो गया, राइट? तो पहले हम फर्स्ट सिंगल डिजिट को लेते हैं। तो सिंगल डिजिट अगर इससे बड़ी है तो आप 1 टाइम या 2 टाइम जितने भी टाइम्स आ रहा है, तो 6 1 6, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 3। अब 3 6 से छोटा है, क्या 6 1 6 होगा, ये 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट की हेल्प लेंगे, सेकंड डिजिट, और यहां से इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब 35 6 से बड़ा हो गया, 35 से कम, ऐसा हम मुझे ऐसा टेबल 6 का पढ़ना है कि वो 35 से कम रहे, 6 5 30 एंड 6 6 36, तो 6 6 ज्यादा हो जाएगा, सो हमें कहां पे रुकना होगा, 6 5 30, समझ आ रहा है? तो आपको रिमाइंडर कितना बचा, 5। नाउ अब अगेन 5 इज लेस देन 6, तो आपको फिर से एक और नंबर की हेल्प लेनी होगी, एंड यू हैव टू कैरी दिस 8 हियर। अब 58 है, तो 6 10 60 होता है, एंड 6 9 54, सो 9 टाइम्स जाएगा। अगर 10 टाइम्स जाएगा तो क्या होगा, इससे ज्यादा हो जाता, सो 9 टाइम्स, 6 9 54, बस इससे कम रहना चाहिए, क्लियर? 4, यू विल गेट द रिमाइंडर 4, फिर से 4 6 से कम है, तो हमने इसकी हेल्प ली अगेन, 48। नाउ 6 8 48, फाइनली आपको इक्वल नंबर मिल जाएगा जब तक डिवाइड होता जा रहा है। अब रिमाइंडर कितना आया, 0, राइट? जब 0 रिमाइंडर मिल जाता है, समझ लो आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज द आंसर। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है, 1598, ये क्या आया, 1598 इज व्हाट, ये इंस्टॉलमेंट है, हर एक मंथ 6 मंथ तक आपको 1598 रुपीज रीपे करने होंगे। उसने अपने फ्रेंड से बोरो किया, राइट, लोन लिया है, तो 1598 की इंस्टॉलमेंट फॉर एवरी मंथ। फर्स्ट मंथ आपने 1598 दे दिया, देन सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, लाइक दिस 6 मंथ तक। अब इसे आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ट्राई करना आप 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर, तभी तो होगा, या फिर आप इसे 6 टाइम्स ऐड करोगे, एंड 6 टाइम्स एडिशन इज सेम एज मल्टीप्लाई बाय 6। तो आपको क्लियर हुआ कि डिवीजन की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हम उसको सबमिशन करते हैं ना, उसका एडिशन करते हैं, सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं एक साथ, राइट? तो दिस इज द आंसर एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ।
जो कि आपके बुक में गिवन है, राइट? तो उसको मैं यहीं पे बता देता हूँ. सो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब ये एक अलग मेथड है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ. ये आपको दिया हुआ है, इससे कुछ आपको अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर हम इस पे आते हैं, ठीक है? सो सी, आप इस पूरे के पूरे चार डिजिट्स को एक साथ देख सकते हो, इससे कम रहना चाहिए. तो कितने टाइम्स मैं 6 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि इससे कम रहे. सो दिस इज मोर देन 9000, राइट? तो मैंने आपको बताया 1000 and 100 टाइम्स करना इजी होता है किसी भी चीज का. 1000 टाइम्स, लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 × 1000 तो कितना होता है? 5000. सिंपल, जितने जीरोज हैं उतने जीरोज आगे लग जाते हैं. तो किसी भी डिजिट का 1000 टाइम्स या 100 टाइम्स सोचना इजी होता है, या फिर 10 टाइम्स भी इजी होता है, 5 × 10 = 50. तो आप मोस्टली इसको ऐसे ही ब्रेक किया करो, और बाकी आप जितना मैक्सिमम सोच सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? लाइक 1000 टाइम्स सोचा तो 6000 हुआ. नाउ रिमाइंडर इज 3588. अब आपके पास कितना? 3500. तो आप 3000 तक कितने टाइम्स जाएगा? तो 6 × 5 = 30 होता है. 6 × 5 = 30 तो मीन्स 500 टाइम्स. अब आप 500 टाइम्स अगर 6 का सोचोगे तो कितना होगा? 3000, ठीक है? अब कितना रिमाइंडर हुआ? 588. अब आपको सोचना है कि 588 से कम रहे. नाउ अगेन यू शुड थिंक फॉर 100 टाइम्स. तो 6 का 100 टाइम्स कितना हुआ? 600, राइट? 600 हुआ, बट वो इससे ज्यादा हो जाएगा. तो इट मींस अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 100 टाइम्स ज्यादा हो रहा है तो उससे कुछ कम, 90 टाइम्स देखें, ठीक है? तो 90 टाइम्स कितना होगा? 19 × 6, 9 × 6 = 54. टेबल आपको याद होनी चाहिए, राइट? 9 × 6 = 54. सो 540 आ गया, 588 से कम है, तो ये ठीक है हमारा. नाउ वी विल गेट द रिमाइंडर एज 48. अब तो आपके पास सिंपल बचा हुआ है, 6 × 8 = 48. सो यहाँ पे 8 एंड यू विल गेट नो रिमाइंडर. फाइनली जब रिमाइंडर नहीं बचता है, इट मींस योर डिविजन इज कंप्लीटेड. तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे सो यू विल गेट हाउ मच, देखते हैं. और यहाँ क्या लिखा हुआ है? विल बोथ ऑफ देम गेट द सेम आंसर डिस्कस. तो इसको ये यहाँ पे आपका लिखा ही हुआ है, इसका एडिशन कितना होगा वो भी मैं करके देखूंगा, और इसका ऐड कितना होता है? 1598. वाओ, ये तो सेम आया, बोथ ऑफ देम आर सेम. तो इसका मतलब है डिवीजन का ये मेथड भी सही है. बट इसके बारे में सोच पाना, बस आप वो दो चार आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा ये मेथड भी. बोथ द मेथड्स आर इजी. वो जो मैंने पहले बताया था वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, और वो दोनों इजी हैं जो आपको समझ आए, राइट? और आपको दोनों समझने चाहिए. जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा, राइट? सो यहाँ पे अब इस बार क्या किया हुआ है कि 1000 टाइम्स ना सोच के 500 टाइम्स लिया है. ये भी गलत नहीं है. यू कैन टेक इट लाइक 500 टाइम्स. तो 500 टाइम्स अगर आप लोगे तो 3000 हुआ. इस बार रिमाइंडर 6000 बचा. अगेन 500. तो यही 1000 को तो दो जगह ब्रेक किया है ना, 500 में. ऐसे भी कर सकते हो. करने को तो आप 100 टाइम्स ले सकते हो, बट वो कितना लॉन्ग जाएगा समझ में आ रहा होगा. 100 टाइम्स आप 10 टाइम्स लेना पड़ेगा आपको. 6 × 100 = 600. ऐसे भी आप कर सकते हो, बट वो कितना लंबा जाएगा वो मेथड, राइट? तो जितना मैक्सिमम आप सोच सकते हो. अब इसको मैं एक और बताता हूँ, थर्ड अपनी तरफ से. लाइक 6 है, 9, 5, 8, 8, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सोचना शुरू करता हूँ कि डायरेक्ट 1500 टाइम्स आप सोच के देखो. तो 1500 का मतलब क्या हुआ? 15 × 6 = 90. तो 1500 × 6 = 9000. समझ आ रहा है? 15 × 9 करूँ मैं तो कितना हुआ बच्चों? सॉरी, 15 × 6 = 6 × 15 अगर आप करते हो तो कितना होगा? 90. और अगर 6 × 1500 करते हो तो 9000. तो आप 1500 टाइम्स भी सोच सकते हो, बट वही मैंने बताया कि 1000 टाइम्स सोचना सबसे ज्यादा इजी है, या 100 टाइम्स सोचना सबसे ज्यादा इजी होता है. तो अगर मैं 1500 टाइम्स सोच सकता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. फाइनली यू आर गेटिंग सेम ना,
1000 प्लस 500 दो बार में सोचा या फिर 1500 एक बार में सोच लिया। सो कितना होगा 1500 टाइम्स 9000, क्लियर? यू विल गेट 588 एज रिमाइंडर। अगेन सेम 90 टाइम्स इज 540। लास्ट के तो सेम ही आने हैं, राइट? 8 टाइम्स 48। सो फाइनली आपको फिर से 1598 ही आंसर मिलेगा। सो तीन मेथड्स देखे, जितना आप मैक्सिमम टाइम सोच सकते हो तो आपका ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी थॉट पे डिपेंड, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम्स आप सोच सकते हो। अब इसके लिए यूनिट प्रैक्टिस, जितना आपको टेबल याद होगा, राइट? लाइक 15 × 6 अगर आप कैलकुलेट कर पाओगे इजीली तो आप आसानी से कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। और वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, सो इट्स प्रैक्टिस टाइम, राइट? अब ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूँ, कौन सा, विच वन, जो सबसे ज्यादा 22 वाला करूँ। 4 का तो टेबल आपको लर्न है ना, 4 का तो इजीली हो जाएगा। मैं 22 वाला करके दिखाता हूँ, या फिर पहले एक बार 4 वाला करके दिखाता हूँ, ठीक है? 4 4 2 2 8, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ? देखो जो सेकेंड मेथड आपको बताया मैंने उसी मेथड से करता हूँ। अब 4 को 1000 टाइम्स अगर आप करोगे तो 4000। अब समझ आया कैसे सोचना है? ये 4000 से ज्यादा है एंड 1000 टाइम्स करना इजी होगा, राइट? यू विल गेट 228 एज रिमाइंडर। अब ये आप 500 500 के भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, बट वो लॉन्ग भी होता और 500 सोचने से ज्यादा 1000 टाइम्स सोचना इजी होता है, क्लियर? 228। नाउ अब 220 मतलब 200 से ऊपर है, तो 5 4 5 20 होता है ना, तो इट मींस 50 टाइम्स, 50 × 4 इज 200। नाउ 28, 4 7 28, इजी, राइट? हो गया। सो यू विल गेट द आंसर लाइक 1000 प्लस 50 प्लस 7, तो 1057 इज द आंसर। समझ आया बच्चों, क्लियर है? अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी करके आपको दिखाता हूं, सेम क्वेश्चन। ये अच्छा है मेथड, है ना, बट आप एक इस मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट। तो यहां पे अब सिंगल डिजिट जो है कम होनी चाहिए, इक्वल भी है तब भी दिक्कत होगी, राइट? तो आप 2 डिजिट्स को ले लो यहां पे, हाँ कम नहीं है ना ये, तो आप ठीक है 4 × 4 तो जाएगा ना, ठीक है सिंगल डिजिट 4 × 4 रिमाइंडर 0। अब 0 तो 4 से कम है ऑब्वियसली, सबसे कम है, आपको इसकी हेल्प लेनी होगी। नाउ 2 भी, अब 0 2 मींस 2, 2 भी 4 से कम है तो आपको एक और कैरी ओवर चाहिए होगा। 2 भी कम है तो आप 2 में 4 का टेबल 2 तक नहीं जाएगा, राइट? तो आपको एक और कैरी ओवर चाहिए होगा, तो आप एक और लोगे, बट इसके साथ ही साथ आपको यहां 0 पुट करना होगा, ठीक है? 0 आप पुट करोगे 40 टाइम्स, तो आप कैरी ओवर 2। अब ये 22 हो गया 4 से ज्यादा। नाउ 4 5 20 रिमाइंडर इज 2। अगेन एक कैरी आप ले सकते हो और दूसरा कैरी लेने के लिए, कैरी ओवर लेने के लिए आपको 0 पुट करना पड़ेगा वहां पे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो 4 4 7 28, क्लियर? तो आंसर 1057, सेम आंसर सेम ही आना है ऑब्वियसली, बोथ द मेथड्स आर राइट। तो आपको जो समझ आ रहा हो, ये अगर आपको समझ आ रहा है तो इससे आप करिए, आपकी बुक में ये मेथड दिया हुआ है तो आप इससे भी करिए, दोनों सीखने की दोनों कोशिश करो, ठीक है? आई थिंक बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक 22 वाला और करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका होमवर्क। सो 22 770, अब देखो कितने टाइम्स जा सकता है 22, 10 टाइम्स यहां पे सोच सकते हो, 10 टाइम्स है ना, 10 टाइम्स देखते हैं, या फिर आप अगर 20 टाइम्स सोच, पहले चलो ठीक है मैं 10 टाइम्स से करके ही बताता हूँ, 220 220, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, अभी और भी 20 टाइम्स भी आई थिंक जा सकता है, तो 20 टाइम्स आप सोचने की कोशिश करो। मतलब आपको क्या करना है, इसके जितने ज्यादा आप नियर बाई पहुंचो वो फायदा है। तो 22 × 20 20 टाइम्स अगर आप करोगे तो ये 440 हो जाएगा, 440 आप थोड़ा सा ठीक जा रहे हो,
ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। बट और ज्यादा अगर आप बढ़ना चाहो, अगर 30 times आप देखो, 30 times तो 22 3s are 66। अब ये और अच्छा रहा, अभी भी कम है ना 770 से। बट अगर आप 40 times करोगे तो 880 हो जाएगा। अब 22 का टेबल बहुत इजी होता है ना, 2 times कर रहे हो तो 4 4, 3 times कर रहे हो तो 6 6, है ना, और 4 times कर रहे हो तो 8 8, इजी होता है ना टेबल। तो इसलिए हम सोच पा रहे हैं 30 times 40 times। तो अगर 40 times होगा तो 880 हो जाएगा, जो 770 से ज्यादा है। तो आप 30 तक रुक जाओ, राइट। तो 30 times इतना हुआ, रिमाइंडर कितना आएगा, 110। ना 22, अब कितना होगा 22 का, अगर आपको टेबल लर्न होगा तो 5 times यू विल गेट द आंसर। 22 5s are 110। इतना तो आपको पता होना चाहिए। जब 10 times से ऊपर होता है तब हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट, 35, 770 डिवाइडेड बाय 22, दिस इज द आंसर।